आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। मुंबई टेस्ट मैच में भारत ने इतिहास रचते हुए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। भारत ने न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट में 372 रनों से हरा दिया, जो भारत के टेस्ट में सबसे बड़ी जीत है। साथ ही टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की अब तक की सबसे करारी हार हुई है। आप सभी को बता दें कि भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली के ब्रेक के बाद मुंबई में दूसरे टेस्ट से टीम इंडिया में वापसी ऐसी यादगार बन गई है कि ये टेस्ट एक नहीं बल्कि कई बातों के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। बात करें मुंबई टेस्ट की तो भारत ने पहले पारी में 325 का स्कोर बनाया था, जिसमें मयंक अग्रवाल ने शानदार 150 रन की पारी खेली थी। तो वही न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक पारी में पूरे 10 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया था। ये कारनामा करने वाले वह न्यूजीलैंड के पहले और दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए, पर उनके इस ऐतिहासिक कारनामे पर विराट के वीरों ने पानी फेर दिया। आपको बता दें कि मुंबई टेस्ट मैच में मयंक अग्रवाल को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया है, तो वहीं अश्वनी मैन ऑफ द सीरीज चुने गया। भारत की टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाकर टेस्ट सीरीज खेलेगी। भारत को साउथ अफ्रीका के दौरे पर 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 26 दिसंबर को होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।